एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी सामने खड़ी हुई एसडी की रोडस्टर और आज इसको एक थोड़ा चला के देखेंगे, थोड़ा भगा के देखेंगे और थोड़ा चेक करेंगे कि इसमें कैसी पावर मिलती है। अभी मैंने इसको थोड़ा राइडिंग करा था तो काफ़ी अच्छा इनिशियल पंच दे रही है। तो अभी एक बार मैं आपको इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से लुक है इस बाइक का और एक बार लुक चेक करो। वैसे मैंने एसडी स्क्रैम्बलर का भी एक राइड रिव्यू करा था और अपनी आर एस 200 के साथ भी उसका एक रिव्यू करा था, जैसा कि सामने देख सकते हैं आप। तो अब मतलब उसकी और आर एस 200 की स्क्रैम्बलर वर्सेस आर एस 200 एक ड्रैग रेस करी थी, तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शो हो रहा था। तो चलो इसको करते हैं स्टार्ट एंड राइड करके देखते हैं एक बार इसको कि कैसा चलती है। तो भाई जो इसके सीटिंग पोजिशन है, जो इसका सीटिंग कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैं इसको बहुत दूर से थोड़ा चला के भी आ रहा था तो सीटिंग कंफर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस बाइक का। और थोड़ा मतलब अगर जैसे इसको आप अगर थोड़ा सा भी इसका जो थ्रॉटल है वो अगर थोड़ा सा भी आप ट्विस्ट करोगे ना तो देखो ये ऐसे निकलती है, देखो इसमें मेरे को पीछे फेंक रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी पावर है इस बाइक की। और अगर हम मैं पावर की बात ही कर रहा हूँ तो थोड़े से आपको स्पेक्स बता देता हूँ आपको। इसमें आपको 29 bhp देखने को मिल जाएगी, 29.7 bhp एंड 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई शूट कर रहे हैं मेरा वीडियो और RS भी साइड में ही चल रही है अपनी, तो थोड़ा भाग के देखते हैं हम इसको। तो भाग तो बहुत अच्छा रही है जैसा कि देख ही सकते हैं आप, 103 चली गई है। बट लेकिन मेरे को एक थोड़ी सी दिक्कत लगी इसमें, बाइक स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें पावर आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी और बहुत अच्छा टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अगर हम पावर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगी 29.7 bhp एंड जो उसमें टॉर्क आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 29 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इनफ है और बाइक काफ़ी लाइट वेट भी है। अगर हम रॉयल एनफील्ड से इसको कंपेयर करें तो बाइक काफ़ी लाइट वेट है, तो इसलिए पावर काफ़ी अच्छी फील होती है इसमें, मतलब भाग काफ़ी अच्छी रही है बाइक। बट मेरे को इसमें एक छोटी सी दिक्कत लगी है जो कि बाइक स्टेबिलिटी की, बाइक स्टेबल नहीं है रोड्स पे बिल्कुल भी, इधर उधर भाग रही है, तो वो थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। वैसे तो इनिशियल पंच बहुत अच्छा है इस बाइक का, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बाइक को राइड करने में। और अब ज़रा मैं थोड़ी यहाँ पे इस बाइक को खींच के देखूँगा और बाइक है अभी सेकंड गियर में, तो एक बार इसका गियर टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने करी है फर्स्ट गियर में, तो देखते हैं कितनी जाती है। 46, 72, 94, 113, तो काफ़ी अच्छा जा रही है, जैसे कि एक स्पोर्ट बाइक चलती है भागती है, काफ़ी अच्छा भाग रही है बाइक। और सच बताऊँ तो एक ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को जब मैं इसको चला रहा हूँ जैसे कि मैं एक हार्ले डेविडसन राइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है कुछ इस तरह है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट ऑन द वे है। तो एक कमेंट भी जरूर करके जाना आपको बाइक कैसी लगी, एक बार मैं आपको उसका वर्क अराउंड भी दिखा दूंगा। अभी आपने सिनेमैटिक्स इन्जॉय किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आगे डाल दूंगा। तो ज़रा आप इसको भाग के देखते हैं, थोड़ा एक्सेलरेशन देखो भाई इस बाइक का कैसा है। तो 124 चली गई है भाई, ब्रेकिंग जार देखो, ब्रेकिंग कितनी सही है इस बाइक की, देखो मैं बिल्कुल वहीं पे जाके, ये देखो ब्रेकिंग कितनी सही है इस बाइक की यार। और यार इनिशियल पंच कुछ बहुत अच्छा है इसका यार, एकदम निकल के भागने को तैयार है ये बाइक। और एक बार मैं आपको इसका वॉक अराउंड लुक, पूरा ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। तो
एक बार इसका ओवरऑल लुक चेक करो बाइक का, तो कुछ इस टाइप से लुक है इस बाइक का। तो देखा आपने अभी मैंने इसको कितना खींचाया, और सच बताऊँ तो बाइक डरा रही है, पीछे फेंक रही है। इतनी ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी भाई बाइक बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा मतलब पीछे फेंक रही है। तो कुछ इस टाइप से लुक है भाई, राइड करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हार्ले डेविडसन चला रहा हूँ। इसका कुछ पोस्चर भी ऐसा ही है हार्ले डेविडसन के जैसा, और इसका एक्सेलरेशन काफ़ी तगड़ा है भाई। तो एक्सेलरेशन चेक करो एक बार इसका आप। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को, मोटर्स को। तो फिर मिलते हैं फिर एक और ऐसी अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपने यूट्यूब के रिकॉर्डिंग अपडेट्स करता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।